इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव के नेहरू स्टेडियम में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने छिंदवाड़ा जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में तीन दिवाली मनाई जाएगी। पहली दिवाली दीपावली के दिन होगी, दूसरी दीपावली भाजपा सरकार बनने पर मनाई जाएगी और तीसरी दिवाली अयोध्या में रामलला की स्थापना पर होगी। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अब राम मंदिर बना दी है और अब मंदिर में स्थापना की तिथि 22 जनवरी बता भी दी है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री और ऊपर नरेंद्र मोदी जी दोनों मिलकर मध्य प्रदेश के बचे पूछे सारे काम समाप्त कर देंगे। जैसे आपकी दो खदानें बच गई है, ऐसे सारे काम समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज जिले के सांसद नकुल नाथ ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिरड़ी एवं खैरी ताए गांव में ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन अखंड हरिनाम सप्ताह में उपस्थित होकर इष्ट देव विठल रुक्मणी की पूजा अर्चना कर सभी की सुख शांति व समृद्धि की कामना की व मंदिर परिसर में जारी अखंड हरिनाम कीर्तन में गोविंदा गोविंदा का जाप भी किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने विधायक के रूप में विजय चौरे के पक्ष में मतदान कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की तथा प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने पर फिर से दिए गए सारे वचन पूरे किए जाने की गारंटी भी दी। कांग्रेस नेत्री प्रिया नकुल नाथ ने मोहखेड़ विकास खंड के ग्राम उमरानाला हिवरा व गोरखपुर में आयोजित महिला सभा ली। सभा में प्रिया ने कहा कि वे कोई नेता नहीं बल्कि छिंदवाड़ा की बहू हैं, बेटी हैं और वे इस अधिकार से बार बार उनके बीच आएंगी। प्रिया नाथ ने कहा कि नाथ परिवार हमेशा अपने छिंदवाड़ा को प्रदेश में आगे रखने के लिए प्रयासरत रहता है। इस अवसर पर प्रिया नाथ ने सभी से आग्रह किया कि 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में 100% मतदान कर 18 नवंबर को कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर उन्हें ऐतिहासिक जीत का यादगार उपहार दें। छिंदवाड़ा भाजपा विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी क्रम में आज रामगढ़ी क्षेत्र में उन्होंने अपना जनसंपर्क किया जिसमें आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी समर्थकों के साथ में आम जनों से भी आशीर्वाद मांगा और विजयी बनाने की अपील की। रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा पाढ़र चिकित्सालय बैतूल के सहयोग से निःशुल्क कटे फटे होठ एवं तालू की सर्जरी हेतु निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन आरोग्य हॉस्पिटल परासिया रोड छिंदवाड़ा में किया गया था, जिसमें जांच के पश्चात 21 बच्चों को सर्जरी हेतु चयनित किया गया था। इसी क्रम में आज रोटरी क्लब छिंदवाड़ा द्वारा चयनित कटे फटे होठ एवं तालू के ऑपरेशन हेतु आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से 21 बच्चों को पाढ़र चिकित्सालय बैतूल विशेष वाहन से रवाना किया गया। 36 बच्चों का चयन किया गया था। पाढ़र के विशेष सहयोग से ये सारी सर्जरी फ्री होंगी, जिसमें कटे फटे होठ और तालू के चयनित बच्चे, आज 21 बच्चों का चयन हुआ है। अभी पाढ़र हॉस्पिटल से गाड़ी आई है जिसमें हम 15 बच्चों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। यहाँ लगभग जो सर्जरी का खर्चा है, जैसा कि पाढ़र हॉस्पिटल से हमें पता चला, लगभग 20 सर्जरी का खर्चा यदि हम नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते तो इसका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का पर सर्जरी का खर्चा आता है। तो ऐसा ये सब मिला के लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सर्जरी
ये जो पाटर हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सहयोग से की जा रही है। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर बता रहे नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566 9168666। नवरात्र दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर, संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटरप्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के द्वारा आज छप्पन भोग रेस्टोरेंट में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुए। बैठक के दौरान कमेटी द्वारा सहमति जताई गई कि सरकार से विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दिवाली पूर्व मिलन समारोह का एक आयोजन किया गया एसोसिएशन द्वारा, जिसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित हुए। इसमें कई टाइप की हमारी मांगे थी व्यापारियों से, प्रशासन से, तो इसके लिए उनसे सहयोग की अपेक्षा के लिए हमने मीटिंग की है और व्यापारी के साथ बैठक होगी कि आगे जो जो हमारे मुद्दे हैं उसको लेके उनके साथ चर्चा के साथ निराकरण किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत बड़ी आवश्यकता है छिंदवाड़ा में, जो कि जिसकी रूपरेखा रोड मैप बना हुआ है, उसको लेके भी प्रशासन से मुलाकात की जाएगी और उसको फाइनल करवाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आज वाल्मीकि समाज द्वारा वाल्मीकि गुरुद्वारे से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारे पहुंची। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। वाल्मीकि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जो 26 तारीख से दीप प्रज्वलित करके रंगोली प्रतियोगिता रखकर 27-27 तारीख को वाहन रैली एवं वृद्ध आश्रम में फल वितरण किया गया था। आज 28 तारीख को आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, साथ में विभिन्न मार्गों से होते हुए ये फुहारा चौक होते हुए पोस्ट ऑफिस होते हुए बुधवारी बाजार होते हुए गुरुद्वारे में समापन होगा। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए समाज सेवी एवं शिक्षण संस्थान के साथ मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी को निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करें, जिससे कि अधिक से अधिक मतदान प्रक्रिया हो सके। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, जिसके तहत इंदिरा तिराहा पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इस दौरान वाहनों से काले फिल्म निकाले गए एवं वाहनों में शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। जेल तराहे में स्पॉट चेकिंग की गई और ये अचानक की जाने वाली चेकिंग है। इसमें विशेषता ये देखा गया था कि जो घूम रहे हैं वो किस कारण से घूम रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, अनावश्यक कोई घूमे ना, जो घूम रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि दोबारा से घूमते ना मिलें। इसके अलावा हमको चेकिंग में ब्लैक फिल्म वाली कारें मिल रही हैं, उनकी ब्लैक फिल्म हटवाया जा रहा है
एक कार हमको ऐसी मिली जिसमें लड़के जो है शराब पीते मिले हैं, उनके मुँह से बदबू भी आ रही थी, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आज छिंदवाड़ा के परासिया रोड पर स्थित बाबा मोहम्मद हनीफ शाह का 33वां सालाना उर्स के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि रविवार को देर रात कव्वाली का शानदार आयोजन किया जाएगा। चल रहा है हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह चल रहा है, बड़ी शान शौकत के साथ 21वां उर्स मनाया जा रहा है। शिरडी साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें नगर के संगीत विद्यालयों द्वारा सुमधुर संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। वहीं शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर दुग्ध प्रसाद विशेष रूप से तैयार कर चंद्रमा की किरणों के मध्य रात्रि में भक्तों को वितरित किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार शरद पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष ग्रहण होने के कारण ये आयोजन 29 अक्टूबर को रात्रि में किया जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति इस बार एक नवाचार करने जा रही है। हमने छिंदवाड़ा की सभी युवा संगीत प्रतिभाओं का कार्यक्रम कल मंदिर के प्रार्थना सभा में रखा है। यह कार्यक्रम 8:30 बजे आरंभ होगा। नारायण संगीत कला विद्यालय से हमारे रविंद्र पटेल जी जो युवा भजन गायक हैं वे रहेंगे, साथ ही हमारे अभिजीत भार्गव और प्रियम सोनी इनके द्वारा शुभ बनारसे के द्वारा बांसुरी युगल वादन और तबला वादन प्रस्तुत किया जाएगा। शगुन एग्जीबिशन का देव होटल में शुभारंभ हुआ। शगुन एग्जीबिशन 9 वर्षों से नगर में आयोजित की जा रही है। शगुन एग्जीबिशन अपने आप में एक यूनिक किस्म की प्रदर्शनी है, जिसमें शहर वासियों को संपूर्ण शॉपिंग की रेंज एक छत के नीचे मिलती है। एग्जीबिशन जिले का सबसे बड़ा ज्वेलरी एवं फैशन एग्जीबिशन बन गया है, जिसमें ग्राहकों को लेटेस्ट फैशन की डिजाइनर ज्वेलरीज आसानी से मिल जाती है, जिसमें फैशनेबल साड़ी, डिजाइनर लहंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट, डिजाइनर ज्वेलरी आदि वैरायटी एग्जीबिशन में उपलब्ध है। बता दें कि शगुन एग्जीबिशन के मीडिया पार्टनर जबलपुर एक्सप्रेस का EMS TV है।